नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। बारांछीपा बरौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र के नजदीक ग्राम पंचायत धौम के वार्ड नंबर 5 हरनावदी जागी स्थित चरागाह के पास एक बिना मुंडिया के लगभग 40 हाथ के सूखे कुएं में 24 घंटे से पड़े हिरण को ग्रामवासियों की मदद से वन विभाग के कर्मचारियों ने कुएं से बाहर जिंदा निकाला। ग्रामीण किसान नवल किशोर वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया गया है कि हरनावदी जागीर स्थित चरागाह भूमि के नजदीक एक 40 हाथ के गहरे सूखे कुएं में एक हिरण के पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर गया कि चरागाह भूमि के पास एक कुएं में हिरण पड़ा है। जिस पर वहां जाकर देखा तो कुएं में पानी नहीं था और एक जिंदा हिरण कुएं में पड़ा हुआ था और हिरण जिंदा था। वहीं आसपास के खेतों में कार्य कर रहे किसानों ने बताया कि यह हिरण एक दिन पहले से ही कुएं में पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर हम कुएं के पास खेत में काम रहे हैं, इसलिए यह हिरण आज कुएं में नहीं गिरा और एक दिन पहले रात्रि को कुएं में पड़ा होगा। उसके बाद नवल किशोर वैष्णव ने पत्रकार कुलदीप सिंह सिरोहिया को हिरण कुएं में पड़ा होने की सूचना जरिए टेलीफोन के दी, जिस पर पत्रकार सिरोहिया ने छीपा बरौद वन विभाग के अधिकारी ननाकराम सामरिया रेंजर को जरिए टेलीफोन के सूचना दी। उसके बाद रेंजर नानकरम ने वन विभाग के कर्मचारियों को मयजाप्ता के मौके पर भिजवाया गया, जहां सहायक वनपाल प्रेमचंद लोधा, वृक्ष पालक रामनारायण कुशवाहा, ग्रामीण नवल किशोर वैष्णव, श्रीलाल भील आदि की मदद से रस्सी का फंदा डालकर हिरण को सकुशल जिंदा कुएं के बाहर निकाल लिया गया और हिरण अच्छी तरह चेक करके कुएं के बाहर छोड़ दिया गया है, जो तुरंत सकुशल खेतों में भाग निकला। इस दौरान पत्रकार कुलदीप सिंह सिरोहिया, सहायक वनपाल प्रेमचंद लोधा, वृक्ष पालक रामनारायण कुशवाहा, वन रक्षक भगवान सिंह, ब्रिजमोहन सिंह, रमेश गढ़वाल, महेश मीना, लेखराज सहरिया, रिंकू मीना समेत ग्रामीण नवल किशोर वैष्णव, हरनावदी जागीर श्रीलाल भील, हरनावदी जागीर राजाराम, मीना खेलखेड़ी समेत दर्जनों किसान एवं ग्रामीण महिलाओं समेत मौजूद थे।